स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश इन सेवेंथ स्टैंडर्ड। ओके, आज हम सेवेंथ स्टैंडर्ड में हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ओके, और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और जो चैप्टर है किसके बारे में है ये हम जानेंगे। और हमने देखा कि जैसे प्रीवियस क्लास में भी हमें क्या दिए हुए थे, यूनिट्स दी हुई थी और उनके सेक्शन दिए हुए थे। ओके, एवरी जो यूनिट थी वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। ओके, देन नेक्स्ट सेम ऐसे ही यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस यूनिट। यूनिट फर्स्ट इज स्कूल। ओके, यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो क्या है, स्कूल है। देन इसके अंडर ही क्या है, सेक्शन फर्स्ट जो हमारा वो क्या है, एजुकेशन। ओके, व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन से हम क्या समझ सकते हैं, एजुकेशन आखिर है क्या। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। सेक्शन वन जो है हमारा, सेक्शन फर्स्ट है वो है एजुकेशन। ओके, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, हमारी जो शिक्षा है। शिक्षा क्यों जरूरी है या हमारी लाइफ में क्या उसका महत्व है? तो अगर शिक्षा नहीं होती तो क्या होता, हम पढ़ लिख नहीं पाते और पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाते। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी ह्यूमन। ओके, एंड एवरी चाइल्ड। ओके, जो एजुकेशन है उससे क्या होता है, क्योंकि जब एक अच्छी एजुकेशन हमें मिलती है तो उससे जो हमें शिक्षा लेते हैं, हम शिक्षा लेते हैं उससे एक अच्छी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो एक अच्छी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आगे आता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर अबाउट एजुकेशन एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में हम देखेंगे सम क्वेश्चंस अबाउट एजुकेशन। जब ये चैप्टर हमने पढ़ा तो इससे हमें कुछ क्वेश्चन निकल कर आए जिसके आंसर हमें इसमें मिलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ टीचर। अब हम देखते हैं कि हमें शिक्षा कौन देता है, टीचर ही देते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो टीचर होता है वो आखिर होता क्या है। ओके, सो टीचर इज अ वेल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और एक एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो कि हमें एजुकेट करते हैं। ओके, नाउ जो टीचर है, टीचर टू रोल्स को पूरा करता है। कौन कौन से रोल वो करता है, टीचर के टू रोल होते हैं क्लास में, कौन कौन से, एक तो वो एजुकेशनिस्ट होता है बहुत अच्छा, और एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच आर द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अब जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे कि हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आज हम स्कूल में ही नहीं, हर कहीं हम एजुकेशन या शिक्षा को ले सकते हैं। हम घर में हों, बाहर हों, बाजार में हों, बैंक में हों, कहीं पर भी हमें ये सीखने को मिलता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। पीपल ऑफन थिंक दैट एजुकेशन इज व्हाट इज टॉट एट स्कूल। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि आखिर स्कूल में हम क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं। हम सभी स्कूल में पढ़ते हैं तो हम स्कूल में डिसिप्लिन को सीखते हैं, एक अच्छी जो डेली रूटीन होती है उसको सीखते हैं, और बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें रखना चाहिए, उनको भी हम सीखते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा सही है कि एक स्कूल में हम डिसिप्लिन सीखते हैं और रहने का तरीका सीखते हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें हम कैसे स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। ओके, अ चाइल्ड लर्न नॉट ओनली स्कूल बट ऑल्सो आउटसाइड। मतलब जो बच्चा होता है वो ना कि स्कूल में सीखता है बल्कि वो अपने चारों तरफ के वातावरण से भी कुछ ना कुछ सीखता है। ओके, इट गिव्स अ चाइल्ड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। ये बच्चों को एक अच्छे अनुभव दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। ओके, द हैव बीन लर्न ओवर डिकेड एंड सेंचुरीज एंड देन इट गोज ऑन टू टीच एंड चाइल्ड हाउ टू बिहेव और एक्ट अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मींस इसका मतलब हुआ कि जो टीचर है वो बच्चों को सिखाते हैं कि उनको उनका बिहेवियर कैसा रखना है। ओके, जैसे सबकी हेल्प करना है, कैसे सबके साथ डिसिप्लिन से रहना है, सबकी बातों को मानना है, अपने बड़ों का आदर करना है, तो ये सब भी हम सीखते हैं। स्कूल एजुकेशन इज
स्ट्रक्चर, और जो स्कूल की एजुकेशन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड मीन्स यहाँ पर होता है सिस्टमेटिक जो एजुकेशन बोलना चाहिए। ओके, स्कूल की एजुकेशन होती है वो कैसी होती है, सिस्टमेटिक होती है। हम एक के बाद एक तरीकों को सीखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं प्रैक्टिकली एंड एक्टिविटी के थ्रू। ओके, अब रिज्यूम, व्हाट विल बी एप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड इन अ सर्टेन एज ग्रुप। ओके, एंड देन इट इज गिवन टू हिम टीचर्स एजुकेशन एंड साइकोलॉजिस्ट डिस्कस। ओके, ये माना जाता है कि जो एक टीचर होता है वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है और एक एजुकेशनिस्ट भी होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है अदर कंट्रीज से। ओके, यहाँ पे कुछ आइडियाज हैं, नेशनल एंड सोशल आइडियाज जो होते हैं। दिस इज द रीजन दैट चाइल्ड एजुकेशन इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड अमेरिका। चाइना और अमेरिका में कुछ और ही एजुकेशन सिस्टम है और इंडिया में कुछ और ही एजुकेशन सिस्टम है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बुक्स से पढ़ते हैं या अगर टीचर भी हमें बताता है तो उसका हम क्या होता है, नॉलेज लिमिटेड होता है। ओके, नॉलेज वुड बी लिमिटेड। स्कूल एजुकेशन डज नॉट डील विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, और एटलीस्ट इन सफिशियंट मेजर, और यहाँ तक कि शायद एक पर्याप्त शिक्षा ही मिल पाती है, बट हम हमारे क्या वातावरण से, बाहरी चीज़ों से, परिवार से, सब कहीं से सीखते हैं। तो हमें यहीं से पता चलेगा कि विच आर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की एजेंसीज कौन कौन सी है, हम मतलब कहाँ कहाँ से सीखते हैं। ये क्वेश्चन है कि हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं, तो हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फैमिली में हमारे जो बड़े होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं उनसे सीखते हैं, नेबर्स हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, रिलीजियंस हम धर्म के द्वारा भी सीखते हैं। ओके, मार्केट में तो बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे लेन देन का काम है, ओके, चीज़ों की क्वालिटी को देखने का काम है, तो वहाँ से भी हम कुछ सीखते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मीन्स हम जहाँ जहाँ से भी सीखते हैं कुछ वो क्या है, एजुकेशन की एजेंसी है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखें द अदर सोर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ चाइल्ड एनवायरनमेंट एंड गिव अ वैल्यूएबल एजुकेशन। जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का जो वातावरण है उनसे हम कुछ ना कुछ मूल जो वैल्यूएबल वैल्यू होते हैं, मीन्स जो मूल्य होते हैं उनसे हम सीखते हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में हम अलग अलग सिचुएशंस का सामना करते हैं और उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब जैसे हमारी मदर होती है वो जैसे वेजिटेबल्स को खरीद रही हैं या किसी और भी सामान को खरीद रही हैं, तो वो क्या करती हैं, बार्गेनिंग करती हैं। ओके, बार्गेनिंग मीन्स होता है जो मोल भाव होता है। ओके, बार्गेनिंग मीन्स होता है मोल भाव, जो कि वेजिटेबल खरीदते समय या किसी भी सामान खरीदते समय जो मदर्स होती हैं वो ये करती हैं। ओके, लर्निंग अ वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स, ये हम किससे सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ओके, जो मदर्स हमें सिखाती हैं मूल भाव करना, ये इकोनॉमिक्स में हमें काम आता है। वैन ही एक्सपीरियंस इन मार्केट, और मदर्स की थ्रू ही हम क्या करते हैं, मार्केट का एक्सपीरियंस लेते हैं कि आखिर मार्केटिंग कैसे की जाती है। ओके, सो इट लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। सो therefore the duty of teachers and parents to provide a child with educated and quality environment means ek teacher ka kaam hota hai ki bacche ko achhi shiksha de aur unko kaise har kahin ke vatavaran mein kaise unko rehna hai ye sikhaye, aur family ki bhi zimmedariyan hoti hain ki wo bachcho ko kaise sikhana hai, aur parents ki sabse adhik zimmedari hoti hai ki unko bacche ko kaise rules batana hai ya kaise unko follow karwana hai। ओके, और हम आगे भी देखें कि जो सिटीजन होते हैं, सिटीजन ऑफ द कम्युनिटी एंड कंट्री कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब हम एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं, एक वेल एजुकेटेड सिटीजन हो जाते हैं, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस, हम हमारे देश में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके, विकसित हो सकता है हमारा देश एक अच्छी एजुकेशन के थ्रू। ओके, सो दैट ही कैन कल्टिवेट positive traits। Okay, now this chapter is completed, I hope you understood this chapter and interesting ये जो education जो system है वो chapter आपको
इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ यू हैव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस, आपको एक्सरसाइज में ओनली कुछ एक्टिविटीज दी है, राइटिंग ड्रिल्स दी है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए हैं आपको। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फिर अपनी नोटबुक बनाना है इंग्लिश की। ओके, जब आप फिर नोटबुक बना लेंगे तो उसमें हमें फर्स्ट चैप्टर को राइट करना स्टार्ट करना है प्रॉपरली और क्लियरली वे से और फेयरली तरीके से। ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो कैसी है। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, ए नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें राइट एनी सिक्स एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, हमें एजुकेशन एजेंसीज लिखनी है। हमें इसका आंसर भी हमें पता चला कि एजुकेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं, जैसे हम घर से सीखते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, नेबर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, इन सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मार्केट है, बैंक है, ये सभी से हम कुछ सीखते हैं। तो इन सभी नामों को हम यहाँ पर लिखेंगे। जो आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है ए नंबर के क्वेश्चन में, उसको हम पीडीएफ से देख करके लिख सकते हैं। और ये तो आप सेल्फ से भी कर सकते हैं ना कि हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे बी नंबर का, सेवरल को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल्सो कंडक्ट एट स्कूल, दिस हेल्प इन चाइल्ड एजुकेशन, राइट एनी सिक्स एक्टिविटीज दैट यू थिंक आर इम्पोर्टेंट। को करिकुलर एक्टिविटीज मीन्स हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज को लिखना है जैसे कि हम स्कूल में भी कुछ सीखते हैं, जिनसे हम जैसे सिंगिंग है। ओके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जैसे आर्ट वर्क है, पोएम्स हैं, इसे हम सीखते हैं। ओके, अब राइटिंग ड्रिल में आपको दिया गया है, हियर आर सम क्वेश्चंस एंड एजुकेशन फ्रॉम द स्कॉलर, रीड द केयरफुली, हमें कुछ जो विद्वानों की परिभाषाएं हैं एजुकेशन के बारे में उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। ऑल मैन बाय नेचर, डिजायर टू नो, ओके, ऐसे कुछ आपको थॉट दिए गए हैं, इनको हमें रीड करना है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें यू हैव बीन गिव अ चार्ज पब्लिशिंग एनुअल स्कूल मैगजीन है, यू मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू डू, हमें कौन कौन सी मैगजीन की रिक्वायर्ड आवश्यकता है उनकी हमें लिस्ट बनाना है। ओके, और उस पर एक आर्टिकल लिखना है, कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, इट्स योर एक्सरसाइज। देन योर होमवर्क इज रीड केयरफुली दिस चैप्टर, आपको इस चैप्टर को बहुत केयरफुली रीड करना है और उसमें से जो भी आप सीख रहे हैं, ओके, जैसे कुछ क्वेश्चंस के हमने आंसर देखे इसमें और बहुत से एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाना, उसको और भी हम अपने पेरेंट्स से पूछ करके उसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, बी सेफ एंड बी केयरफुल। ओके, थैंक यू।